गाइस अब तो क्या कहते हैं यार, पूरी धुंध रोड पे आ गए हम तो भाई। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बादलों के बीच में बाइक चल रही है हमारी भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो यार, एक और नई सुबह की नई शुरुआत पहाड़ों में। और आज क्या कहते हैं यार, दिल्ली के लिए निकलना था बट लेकिन इतनी खतरनाक यहाँ पे बारिश वारिश लग गई है। सुबह से लग रही है, मैंने कितने बजे थे तो हमें भी नहीं पता, और हवा चल रही है खतरनाक वाली, ठंड लग रही है यार यहाँ पे। तो यार जब बारिश वगैरह रुकेगी तभी निकलेंगे। और ऐसी रात में नींद लगी ना झम, दो दिन से नींद तो प्रॉपर पूरी हो चुकी थी। ऐसे चल रहा था आधा, एक एक दो दो तीन तीन घंटा सो रहे थे। कल जब सोए तगड़े तरीके से तो भाई तब जाके नींद पूरी हो रखी है। और अभी देखो ये सामने पहाड़ों में क्या व्यू आ रहे हैं तगड़े भाई साहब। तो चल रहा है, चाय वाय आ गई, अपनी चाय पीते हैं और रेडी रहते हैं, और बारिश वारिश जैसे रुकती है तो निकलते हैं फिर। सो गाइस यार, निकल गए भैया के घर से दिल्ली के लिए। और बीच में क्या कहते हैं यार, बारिश वगैरह लग रही थी बट अभी यहाँ पे तो नहीं लगी। हमने कहा निकल जाते हैं, कोई नहीं, हल्की फुल्की बारिश चल जाएगी, क्योंकि मेन तो पहाड़ है, पहाड़ निकल जाएंगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, बताना भाई कैसा लगा आपको। ऐसा लग रहा है कि हम अभी दिसंबर या जनवरी के महीने में आ रहे हैं। तो पूरा व्हाइट चादर, मतलब बिल्कुल हमारा ना वर्थ इट हो गया आना, क्योंकि अच्छा हम प्लान चेंज, अगर हम प्लान चेंज कर देते कि नहीं आते यार अलर्ट बता रखा है, तो ये सब देखने को नहीं मिलती। खूबसूरती इतनी प्यारी वाली मेरे को सामने, और ये गाड़ी हमारी मुक्ती हुई। और ये देखो भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा आर पार भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ नीचे पहाड़ के सामने पहाड़ों में कुछ है। ऐसे मौसम के लिए लोग पहाड़ों से आते हैं, और हम खुद ही उत्तराखंड के उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, पैदाइश करते हैं, भाग्यशाली लोग हैं उत्तराखंड। क्यों योगेश, जो हम फील कर रहे हैं वो आप देख के करो, लेकिन जो रियल में हमें एहसास हो रहा है, जो हवा लग रही है, जो आंखों से देख रहे हैं, और इतने दिन आगे बताऊंगा। सो गाइस, अब तो क्या कहते हैं यार, पूरी धुंध रोड पे आ गए हम तो भाई। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बादलों के बीच में बाइक चल रही है हमारी भाई। तो भाई योगी, फिर वो कैसा लग रहा है बाइक चला के इतना मज़ा आ रहा है? गुड गुड भाई। देखो वहीं पे अगर हम शहरों में गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर मान लो भाई हमने चला लिया, अगर गाड़ी 5-6 घंटे अगर हमने गाड़ी चला ली ना, तो भाई हालत डाउन हो जाती है। और पूरे रास्ते भाई दिल्ली से लेके यहाँ तक, दिल्ली वापस जा रहे, पूरे रास्ते भाई योगी ने गाड़ी चलाई है, लेकिन भाई बंदे को हल्की सी मतलब इतनी थकान या दर्द हो रहा है, इतना कुछ नहीं हुआ। तो ये देखो, ये है भाई उत्तराखंड के मतलब नेचर की पावर। तो वही है कि नेचर हमको कितनी सारी चीज़ें दे। हाँ गाड़ी आ रही है, ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब बहुत ईजी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ब्रेक और क्लच पे तो आपका हाथ हमेशा रहेगा ही रहेगा। फिर भी लेकिन ये है कि भाई थकान इतनी नहीं है, इससे मैंने कुछ पूछा था मतलब चला रहा है। बाइक का एक अपना अलग मज़ा ही है दोनों ही, देखो बंदे भाई साइकिलिंग भी करते हैं, मतलब बाइक का अपना मज़ा अलग है भाई, जो आपको अलग है कि जूम करके एकदम से निकलोगे मोड़ पर आपको ऐसे ही देखो पैंट लेने। और कार का अपना अलग मज़ा है। चलो ऐसे ही हमारा सफ़र आगे जारी रहेगा, और ऐसे हम आशा करते हैं ऐसे आते रहें, अलग अलग जगहों पर जाते रहें, नेचर का मज़ा लेते रहें। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ताकि आपको नई नई जगह देखने को मिल सके गाइस। सो गाइस, यार अभी लिया है कि स्टे, और अभी थोड़ी सी चाय पीते हैं और साथ में खाते हैं थोड़ा सा बंद, यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और चलो भाई एक चीज़ सही होगी, वरना यार हम परेशान हो रखे थे कि बारिश हो जाएगी तो भीग भीग जाएंगे, कहीं बीमार मानना पड़ जाएगा, क्योंकि भीमताल से तो भाई बारिश वगैरह मिल रही थी, बट अब यहाँ पे बारिश रुक गई तो भाई बढ़िया हो रहा है। चाय भाई पीते हैं, उसके बाद सीधा सीधा चलते हैं, और बाद में आगे रुकेंगे जब पहाड़ वगैरह क्रॉस हो जाएंगे।
तो गाइस यार यहाँ पे तो बड़ा गंदा ट्रैफिक लग गया, और अभी हमारे जोमेटो की तरह चला रहे हैं, डिलीवरी बॉय की तरह योगेश भाई निकाल रहे हैं बाइक को जैसे तैसे करके, पता बड़ा काफ़ी जाम लगा। भाई इससे पहले जो रोड थी खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग हो रही थी, तो हम ऐसे उछल रहे थे, हमारे पिछवाड़े उछल रहे थे, जैसे अंडे उबलते हैं ना जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, बटर बटर ऊपर को उछलते हैं, वैसे उछल रहे थे भाई। पिछवाड़ों की वाट लग गई थी, अब थोड़ा सही लग रहा है, पूरी बॉडी की पार्ट खिला दी इसने तो। वो देखो सामने ऊपर बादल, देखो क्या मौसम हो रहा, देख सकते हो आप, जूम भी यहाँ पे हम कर नहीं सकते, थोड़ा स्पीड में है। क्या मौसम, क्या पहाड़ों की वजह से शहरों का भी मौसम चेंज हो गया, मजेदार एकदम। सुबह इधर अभी खाना खाने के लिए रुके हैं भाई दिन का, और ये है भाई शिवा टूरिस्ट ढाबा। अब पता नहीं भाई नकली है इसलिए तो भगवान जाने, 36 खुल गए इस रोड पे। चलो भाई तो कर दिया है भाई खाना वाना ऑर्डर कर दिया है, और अभी आता है थोड़ी देर, तब तक भाई ये स्प्राइट की बोतल में लगा के पीते हैं, मज़ा तो आ रहा है वैसे, बट नॉन स्टॉप चले गए यार। लास्ट वहाँ पे रुके थे पहाड़ी पे, चाय वाय पीती वहाँ पे, उसके अलावा कहीं रुके नहीं, सीधा यहाँ रुके हैं। मिनिमम मान के चलो यार 100 किलोमीटर से ऊपर के बाद रुके हैं, 120-140 के बीच में, लग गई थी तो खाना वाना। सो गाइस यार फाइनली अपना भाई खाना आ गया जो ऑर्डर किया था, और हमने ऑर्डर किया भाई शाही पनीर और ये बटर रोटी, सैलेड और अचार साथ में मिला हुआ है। तो भाई चलो योगेश भाई हमारे सर्व कर रहे हैं, तो फटाफट से खाते हैं यार, भूख लग गई बहुत तेज। सुबह ही किया था जो नाश्ता किया था भैया औरों के यहाँ पे, टेस्टी टेस्टी खाना, पेट में जल्दी से जाना और फिर हमको है बाइक चलाना, वाह वाह ये तो राइमिंग बन गई। तो गाइस यार खाना वाना खा के तो वहाँ से निकल गए थे, अभी आ गया आपका रामगंगा, तो रामघाट आ गया। तो यहाँ पे देखो भाई पानी कैसा हो गया, मटमैला सा, और ये पुल पूरा झूला झूल रहा है यहाँ पे खतरनाक तरीके से। तो भाई यहाँ पे बच्चे देखो फुल मज़े ले रहे हैं बोटिंग का, लेकिन पानी जो है काफ़ी ख़तरनाक सी स्थिति पर है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी सी हो गई पूरे पानी में, और तेज़ भी पानी का बहाव भी थोड़ा तेज़ लग रहा है, तो इसका मतलब ये होता है अगर मिट्टी मिट्टी से आने लग जाए तो बाढ़ की संभावना रहती है हमारे गाँव की तरफ में, एकदम सा आता है, फुल मज़ा आ रहा है नाव में। वैसे तो हम भी कल चला के आए कहना हूँ। तो गाइस यार अभी हम रुके हैं ये जो आखिरी टोल है दिल्ली को जाते वक्त, तो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले के मुकाबले तो क्या कहते हैं हमारे मतलब सीट पे जो है पिछवाड़े फिट हो गए, हमको आदत पड़ गई है भाई बैठने की काफ़ी देर तक, करीबन मतलब 150 किलोमीटर अभी तक हम बैठ चुके हैं इसमें, ऐसी रेस्ट मतलब नहीं लिया। तो अभी हमने कहा लास्ट है 40 किलोमीटर रह रहे हैं, उसके बाद सीधा घर पे रोकेंगे, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, सीधा फिर गाड़ी लगेगी घर पे, फिर नींद तो क्या ही आएगी अब, और थकान बिल्कुल लग नहीं रखी है जिस हिसाब से टूर हमारा रहा है, हैक्टिक टूर था एकदम, बिजी इधर उधर 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 उधर, ऐसे सही है मज़ा भी आया घूमने में, अनएक्सपेक्टेड था ये भी कि मतलब सोचा नहीं था कि बाइक से चले जाएंगे इधर उधर घूम के आ जाएंगे, बढ़िया रहा। तो अब सीधा मिलते हैं आपको घर जाके। सो गाइस यार घर तो पहुँच गए थे हम, तकरीबन आपका 7 करीबन पहुंच गए थे, और दिल्ली में थोड़ा जाम लग गया था यार जब दिल्ली पहुंचे थे यहाँ पे, तो रास्ते में तो नहीं मिला, मतलब दिल्ली में यहाँ पर खतरनाक जाम होता था, तो अभी थोड़ी देर तक ऐसे मतलब रेस्ट वेस्ट तो नहीं, सोए हुए तो नहीं, ऐसे बैठा पड़ा था। खाना वाना तो भाई हो गया डिनर विनर, तो अभी थोड़ी देर में सोएंगे,